बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो आज की वीडियो HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है क्या वाइफ अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए हस्बैंड से परमिशन लेगी। बिल्कुल मतलब कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो पता लगेगा वीडियो में। मतलब मुफ्ती साहब क्या कहते हैं इस बयान पर कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेती होगी अपने हस्बैंड से परमिशन कि मैं घर बात कर लूं। क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो अब हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग और एनवायरनमेंट का, है ना? कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करता, कह सकते हैं। तो मतलब अपनी मम्मी से बात करने के लिए क्या परमिशन दे? कह नहीं सकते। बोलो कुछ। कह नहीं सकते। तो अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है और HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से है। आप चाहो तो इन्हें और हमें दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे की नमाज के बाद एक निकाह है, बड़ा खानदानी निकाह है। हमारी मस्जिद के इंतजामिया के एक बड़े सरकर्दा कारकुन है और इंतजामिया के मेंबर हैं, उनके बड़े बेटे का, बड़ा बेटा है ना, बड़े बेटे का निकाह है। माशाल्लाह दूल्हा बन के बैठे हुए भी हैं, माशाल्लाह आलिम भी हैं, साल भी लगा हुआ इनका तबलीग में माशाल्लाह। तो इनका जुम्मे की नमाज के फौरन बाद निकाह होगा। आप हजरात बैठे हैं। कराची में मस्जिद में निकाह का रिवाज बहुत बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में भी है मगर थोड़ा कम है। देखो मस्जिद कैसी प्यारी जगह है, नमाज की जगह है, मुकद्दस जगह है। वहाँ कितना सादगी से निकाह हो जाता है, कितनी बरकतें हैं। तो इसको रिवाज देना चाहिए मस्जिद में निकाह को। अजीब बात है, दुनिया की हर कौम निकाह करती है अपनी इबादत गाहों में। ईसाई कहाँ निकाह करते हैं भाई? हो रहा है ना, ईसाई कहाँ निकाह करते हैं? चर्च में। हिंदू अपने पंडितों से पढ़वाते हैं। तो ये दुनिया की हर कौम में होता है। आजकल निकाह अदालतों में शुरू हो गया है। तो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, जायज़ तो कहीं भी है। कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहीं भी मामला तय हो गया तो वहीं बैठे बैठे निकाह पढ़ा दिया। लेकिन जब कोई जगह आपने सेलेक्ट करनी ही है तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद है। तो इसको रिवाज डालना चाहिए, इसकी एक बरकत होती है, एक रूहानियत होती है, इसमें गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। भाई क्या मसला है? अच्छा, मुझे लगा वीडियो के अंदर। दूसरा, बार बार इस पर बात होती रहती है, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ निकाह को। जिना को मुश्किल होना चाहिए, निकाह को आसान। तो उस निकाह को आसान कैसे किया जाएगा? जहेज ख़त्म करो। क्या ख्याल है भाई? अभी बयान पूरा हुआ ना, जो इस्लाम पे मुकम्मल राजी हो। तो इस्लाम में जहेज है? सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बोलते क्यों नहीं भाई, लड़के पे डाला है। नान नफका लड़का करेगा, मेहर लड़का देगा, और अल्लाह भला करे घर का सामान सारा कौन लेके देगा? लड़का देगा। तो सारा वो स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो लड़की वालों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से। तो सारे खर्चे अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाले हैं और अल्लाह ने कुरान में मर्द की फजीलत इसी बेस पे बयान की है। अर्रिजाल कवामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अब लोग नीचे बढ़ जाए ना तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। पीछे लोग बेचारे खड़े हुए हैं ना, वो देख रहे हैं। तो अर्रिजाल व कवामून अलन निसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को हमने हाकिम बनाया है। औरत गुलाम नहीं है, महकूम है। महकूम में और गुलाम में फ़र्क होता है। देखो जो भी वजीर आज़म है, जो भी सदर है, वो हाकिम है, हम क्या हैं? महकूम है ना। अब ख़वातीन कहती हैं हम क्या मर्द के मातहत हैं? तो भाई जब आप हुकूमत के मातहत होकर इसमें ज़िल्लत नहीं है, पुलिस के मातहत होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस आप उसके मातहत हैं, तो ये क्या मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो गुलाम है क्या बॉस के?
भाई मातहत है, मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते एक अमीर होता है बाकी सारे मातहत। तो हो गया हम मातहत हैं भाई, तो हम ये तो तौहीन है। तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निज़ाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक जिम्मेदार और एक अमीर नहीं होता। तो घर भी एक एक जगह है ना जहाँ लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सरबरा है और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं। तो मातहत हैं तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने जौजा पे क्या बनाया है? हाकिम बनाया। औरत मातहत है तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की है। एक बिमा फज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बास को बास पर वैसे ही फजीलत दी है। कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा दी हैं, इस बेस पर वो गॉड गिफ्टेड हैं। वो क्या हैं? वो खुदा की तरफ से, देखो जंगल में शेर शेर होता है और लोमड़ी लोमड़ी होती है और चीता चीता होता है। अब चीता कहे मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? तो अल्लाह कहेंगे भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया। हम कहें हमें पैगंबर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज़ करते थे कि हम में जो कौम का सरदार को अल्लाह ने पैगंबर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यकसिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो उस रहमत की तकसीम के? अल्लाह जिसको चाहे दे दे, जो नेमत दे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया, औरत को औरत बनाया। तो उसकी एक वजह तो अल्लाह की, अल्लाह ने मर्द में कुछ सलाहियतें ज्यादा रखी। दूसरी वजह जो असल में फोकस कर रहा हूं, बिमा अनफको मिन अमवालिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वजह उसकी है कि मर्द औरत पे माल, बोलो ना भाई, खर्च करेगा। ये इस्लाम में सिस्टम 100% गलत है कि औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए और मर्द औरत की कमाई खाए, औरत अपनी अपनी कमाई खुद, मर्द जिम्मेदारी ना उठाए। ये इस्लाम नहीं है। मैं कहता हूं पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ, ये बीच में क्यों लटके हुए हो? खवातीन कहती हैं हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉब एक्चुअली आजकल गुजारा नहीं होता ये हो। फिर भाई जॉब जब कर रहे हो तो ये कहां से लिया तुमने कल्चर? अंग्रेजों से। तो फिर अंग्रेजों को पूरा फॉलो करो। फिर आपके मियां का अगर किसी औरत से आंख मटक्का चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज में औरतें जब जॉब करती है तो वो शौहर भी उनका फिर पाबंद नहीं होता, उसकी 10-20 गर्लफ्रेंड भी उनका कल्चर इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? पूरा फॉलो करो ना, ये क्या आधा आधा अपने मजे अपने मतलब का इधर से और जहां उधर मजा आ रहा है वो वहां से और जहां इधर मजा आ रहा है। अरे क्या हो गया भाई, फिर दोबारा बयान शुरू हो गया। ये तो यही हो रहा है ना आजकल भाई। इस्लाम ने अगर मर्द पर जिम्मेदारियां ज्यादा रखी हैं कि सारी जिंदगी तुमने खिलाना है और इधर उधर आंख मटक्का करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुछ हुकूक भी दे दिए ना कि अब ये तुम्हारे माते, ये घर से निकलने से पहले तुमसे पूछेगी, पूछेगी तुम्हारी इजाजत के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल, तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को घर में नहीं आने दे सकती, तुम्हारी परमिशन के बगैर फोन पे नहीं बात कर सकती। ये नहीं कि अब 24 घंटे आपसे परमिशन लेती रहे, लेटर लिख के दे। मतलब ये कि अगर तुम ये समझते हो कि फला जगह इसका बात करने से मुझे तकलीफ होती है तो तुम इस पर रोक सकते हो, क्योंकि हर चीज को गलत लेके जाते हैं ना। हर दफा फोन करने से पहले पूछेगी मैं अम्मी से बात कर लूं, अप्पा से बात कर लूं, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि अगर आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा बेगम का, तो आप उस पर पाबंदी लगा सकते हैं, इस बेस पे उसका नान नफका बंद कर सकते हैं आप, कि बेसिक राइट्स हैं जो अल्लाह ने आदमी को दिए हैं। तो इस तरह की चीजें अल्लाह, अब आधे उधर से ले रहे हैं, आधे बोलो भाई इधर से ले रहे हैं, तो फिर कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। तो पेड़े खाने का शौक है बस हमें ना, पेड़े खाने का शौक है कि इस्लाम के हुकूक पूरे लें, जिम्मेदारियां जो इस्लाम ने लगाई है वो अदा ना करें हम। तो अब अल्लाह ताला ने भाई मर्द को जो फजीलत दी है, घर का सरबरा बनाए, उसकी बड़ी वजह कुरान बयान कर रहा है कि माल कौन खर्च करेगा? बोलो भाई, डबल बेड कौन लेके देगा? अलमारी किसकी होगी? बेगम के कपड़े जिस अलमारी में रखे जाएंगे वो अलमारी किसके पैसों से खरीदी गई? बोले बोले, शाबाश, सबक है, गैरत दिला रहा हूं, गैरत। बोले तकिया की पैसे कौन देगा? वो डिनर सेट जिसमें प्लेटें बेगम खाए, प्लेटों में खाए, प्लेटें तो नहीं खाएगी खैर, प्लेटों में जो चीजें खाएगी वो प्लेटें किसके पैसों से होंगी? मर्द के पैसों से होगी। जो जेवर उसके गले में डलेगा वो कहां से आएगा भाई? बोलो ना भाई, क्या हो गया? आदमी के पैसों से होगा, जो मियां है,
میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا، یہاں تو ماشاء اللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے؟ صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی؟ چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو، وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ؟ پیٹی کس کی طرف سے ہوگی؟ بولو نا، بول لو، سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، میں نے نہیں بٹھایا، جانا چاہے جا سکتا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی؟ چولہا کہاں سے آئے گا؟ مرد کے پیسوں سے. تو ہاں جی، ہاں جی، حالانکہ ہم کنفیوز ہو رہے تھے، بٹ یہ سمپل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وائف کو اپنے گھر کھول کرنا ہو تو ہر ٹائم میاں سے ہاں کھول کر کے، اگر میاں جاب کر رہا ہے یا کچھ بزنس کر رہا ہے تو کھول کر کے ہاں گھر میں کال کر لوں، ممی کو کال کر لوں، ڈیڈی کو کال کر لوں، یہ تو ایسا تو نہیں ہے. گھر والوں کو تو کال اپنے آپ کی سکتی ہے، بٹ اگر میاں کو کہیں اعتراض ہے، اور ایکچوئل میں تو ہوتا یار یہ بات تو ہماری اپنی لائف میں آلریڈی ہے، ہمیں اگر کسی بندے سے اعتراض ہوتا ہے تو ہم اپنے وائف کے اپنے گھر میں بھی سب کو بول دیتے ہیں کہ یار ہمیں وہ بندہ صحیح نہیں لگتا تو اس سے دور ہی رہو، اس سے نہ بات کرو نہ دور ہی رہو، اس سے دوری بنا کے رہو اس بندے سے، کیونکہ یہ صحیح نہیں لگتا. تو یہ تو ہم اپنی وائف، اپنی مدر یا اپنے اور بھائی چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو بھی بول دیتے ہیں کہ اس بندے سے دور رہو، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، بیکار بندہ ہے. ایون کہیں کچھ چیز ہم لینے جاتے ہیں کسی شاپ پر، اگر اس سے ہمارا ایکسپیرئنس اچھا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہاں سے مت لینا، ان فیوچر نا یہاں سے کوئی چیز مت لینا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ڈھنگ سے بولتا نہیں ہے، اپنا کام نکل جانے کے بعد ریپلائی نہیں کرتا، ڈھنگ سے بات نہیں کرتا. تو ایسی چیز ہوتی ہے. تو وہاں پر میاں اپنی وائف کو منع کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس بندے سے یا پرٹیکولرلی اس انسان سے یا کسی اس آرگنائزیشن سے یا جو بھی ہے اس سے دور رہو، اس سے بات نہیں کرنی. مطلب میاں کا جو حق ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی وائف، ہے نا، حق وہ حق زیادہ جتا سکتا ہے اپنی وائف پر. مطلب وائف کیونکہ وہ سربراہ ہوتا ہے، اس نے ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی اس نے اٹھائی ہوتی ہے. اور ایون اسلام میں تو ایسا بھی ہے کہ مہر دینا ہوتا ہے، پورے گھر کا خرچہ سارا، مطلب فرنیچر، ڈائننگ سیٹ وغیرہ، مطلب آلموسٹ سب کچھ ہی ایک شوہر کے اوپر ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اس کو حق بنتا ہے اتنا کہ وہ اپنی وائف پہ اتنا تو کر سکتا. بینگ اے سربراہ، مطلب فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو وہ مینلی شوہر ہی ہوتا ہے، مطلب جو بھی گھر میں میل ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے. تو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے نا مینلی اس پر ہی ہوتی ہے، اس کے کندھے پہ ہوتی ہے. تو اتنا تو حق ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. بالکل. تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں، اور یہ ویڈیو تھی ایچ کے ڈی مفتی طارق مسعود چینل سے. تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور شیئر کیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.